Good morning, children. Welcome to EVS class. Myself, Naseema Sultana Begum. Dear children, we are in the fourth lesson, Mangoes Round the Year. Before going to today's topic, let's recap some of the important points that we have learnt in previous classes. Dear children, we have learned that food items get spoiled due to various reasons. बच्चों हमने जाना है कि फूड आइटम्स बहुत कारणों की वजह से ख़राब होते हैं, जैसे कि वेदर कंडीशंस, मॉइस्ट और डर्टी कंटेनर एट्सेट्रा. पॉइंट टू, ड्यूरिंग रेनी और समर सीजन फूड स्पॉइल्स फास्टर. हमने जाना है कि रेनी या समर सीजन में फूड आइटम्स जल्दी ख़राब होते हैं. पॉइंट थ्री, देयर आर मेनी मेथड्स लाइक फ्रीजिंग, ड्राइंग, बॉइलिंग एट्सेट्रा टू कीप फूड फ्रेश फॉर लॉन्गर डेज. फूड आइटम्स को फ्रीजिंग, ड्राइंग या बॉइलिंग मेथड से बहुत दिनों तक फ्रेश रखा जा सकता है. पॉइंट नंबर फोर, प्रिजर्वेटिव्स आर एडेड टू फूड टू प्रिवेंट देम फ्रॉम स्पॉइलेज. हम प्रिजर्वेटिव्स फूड आइटम्स में डालते हैं ताकि वो बहुत दिन तक ठीक रहे, वो स्पॉइल ना हो. Now, today's topic, dear children, our topic is items made from mangoes. आज का हमारा टॉपिक है आम से बनने वाले चीजें. After completion of this topic, we will expect from you that you will be able to identify the different mango items, as well as you will be able to classify the food items made from unripe and ripe mangoes. ये टॉपिक ख़त्म होने के बाद हम आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि आप डिफरेंट मैंगो आइटम्स के नाम जानेंगे, साथ ही साथ कच्चे और पक्के आम से बनने वाली चीज़ों को भी पहचान लेंगे. ये चिल्ड्रन, नाउ ऑब्जर्व दिस पिक्चर्स. बच्चों, आइए हम सब ये पिक्चर्स को देखते हैं. रॉ और अनराइप मैंगो आइटम्स. यहाँ कुछ कच्चे आम से बनने वाले चीज़ों के बारे में दिया गया है. कच्चे आम को कैरी भी बोला जाता है, जो हम काट कर नमक मिर्चा के साथ भी डायरेक्ट खा सकते हैं. साथ ही साथ डिफरेंट मैंगो आइटम्स लाइक टॉफ़ी, मैंगो ड्रिंक, मैंगो पाउडर, पिकल, चटनी एट्सेट्रा आर ऑल्सो मेड फ्रॉम रॉ और अनराइप मैंगोज. ये सब चीज़ें भी, जो कि टॉफ़ी या कैंडी ड्रिंक, मैंगो ड्रिंक और मैंगो शरबत, आमचूर पाउडर और मैंगो पाउडर, पिकल या अचार, चटनी, ये सब हम कच्चे आम से बनाते हैं. आइए आप जानते हैं हम पक्के आम से क्या क्या चीजें बनते हैं. नाउ चिल्ड्रन, ऑब्जर्व दीज पिक्चर्स. अब इन पिक्चर्स को देखिए. बच्चों, राइप मैंगो यानी पका हुआ आम को हम काट कर खाते हैं, साथ ही साथ डिफरेंट आइटम्स भी बनाते हैं. मार्केट में स्लाइस, मैंगो, माजा, ये सब जूस आते हैं जो कि आप खाना पसंद करते हैं. ये सब आम के रस से बनाया जाता है. अदर देन दैट, मैंगो शेक, जैम, जेली, आइसक्रीम, आम पापड़ और मामेरी टंडरा एट्सेट्रा आर ऑल्सो मेड फ्रॉम राइप मैंगोज. ये सब चीज़ें भी, जो जैम, जेली, आइसक्रीम, मैंगो शेक, आम पापड़ और मामेरी टंडरा भी पके हुए आम से ही बनाया जाता है. पके हुए आम के रस निकाल कर उससे डिफरेंट आइटम्स बनाया जाता है. तो अब चलते हैं दूसरे स्लाइड की तरफ. इस स्लाइड में हम देखेंगे किंग ऑफ फ्रूट्स यानी फलों का राजा. ये चिल्ड्रन, डू यू नो Which fruit is called king of fruits? Of course, mango.
मैंगो इज कॉल्ड द किंग ऑफ फ्रूट्स, आम को फलों का राजा बोला जाता है. डू यू नो व्हाई, आप जानते हो क्यों? लेट्स सी. मैंगो इज कॉल्ड द किंग ऑफ फ्रूट्स फॉर द फॉलोइंग रीजंस. क्यों उनको बोला जाता है इसका हम अब कारण देखते हैं. पॉइंट वन, इट इज कंज्यूम बाय ऑलमोस्ट एंटायर इंडिया. आम को पूरे इंडिया में खाया जाता है. पॉइंट टू, इट इज फेमस एंड मोस्टली लाइक बाय ऑल द पीपल. ये मशहूर है, साथ ही साथ सभी लोग उसे खाना पसंद करते हैं. पॉइंट थ्री, इट इज चीप एंड इजीली अवेलेबल अक्रॉस द कंट्री. आम सस्ता है, साथ ही साथ वो इजीली अवेलेबल है, हमें मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं. मोस्टली ये समर सीजन में ही आम हमें मिलता है. पॉइंट नंबर फोर, इट इज़ डिलीशियस एंड हैज़ रिक्वायर्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू. इट इज़ ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स. आम डिलीशियस या टेस्टी तो है ही, साथ ही साथ उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यूज भी है. इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन्स एंड मिनरल्स पाया जाता है. नाउ डियर चिल्ड्रन, डू यू नो दैट ओरिजिन ऑफ मैंगो इज इंडिया. आप जानते हो कि मैंगो का ओरिजिन इंडिया ही है. सबसे पहले आम इंडिया में ही पाया गया था. तो डियर चिल्ड्रन, आज की क्लास में हमने कच्चे आम से बनने वाली चीज़ें, फिर पके हुए आम के से बनने वाली चीज़ें, और साथ ही साथ आम को फलों का राजा क्यों कहा जाता है इसके बारे में भी हमने जाना. तो आइए अब चलते हैं आज के असाइनमेंट की तरफ. डियर चिल्ड्रन, इन टुडेज असाइनमेंट यू हैव टू क्वेश्चंस. आज के असाइनमेंट में आपके लिए दो क्वेश्चंस हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्लासीफाई द फॉलोइंग मैंगो आइटम्स एज राइप एंड अनराइप मैंगो आइटम्स. जैम, चटनी, आइसक्रीम, मैंगो शेक, पिकल, जेली, टॉफी, मैंगो पाउडर. यहाँ हमने कुछ मैंगो आइटम्स के नाम दिए हैं. आपको इसको क्लासिफाई करना है कि कौन सा मैंगो आइटम राइप मैंगो से बनता है और कौन सा अनराइप मैंगो से बनता है. सेकेंड क्वेश्चन, ड्रॉ और पेस्ट पिक्चर्स ऑफ एनी थ्री मैंगो आइटम्स इन योर कॉपी. सेकेंड क्वेश्चन में आपको कोई भी तीन आम से बनने वाली चीज़ों की पिक्चर्स ड्रॉ करनी है, या आप चिपका भी सकते हैं. यू कैन ड्रॉ और पेस्ट इन ईवीएस कॉपी. आज के असाइनमेंट में ये दो ही क्वेश्चन है, और आपको इसको सही सही करके टाइमली गूगल शीट क्लासरूम पे सबमिट करना है. और कोई भी आपको अगर डाउट हो तो आप मुझे क्लासरूम के थ्रू पूछ सकते हैं. तो मुझे उम्मीद है आप ये असाइनमेंट्स टाइमली सबमिट कर देंगे. थैंक यू, हैव अ गुड डे.